दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो अभी अभी मैंने ग्राउंड के जितनी भी ड्राई लीव्स हैं उनको मैंने कलेक्ट किया, और ये काम मुझे डेली सुबह सुबह करना पड़ता है। तो आज मैं अपने सबसे पसंदीदा विंटर के फ्लावरिंग प्लांट सिनेरेरिया, जिनके मैंने सीडलिंग की थी, उनको मैं आज रिपोर्ट करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है, ऐसे ही वीडियो नहीं बन के रेडी हो जाती है। ग्राउंड में जब भी मैं काम करती हूँ, पीछे से कोई ना कोई मुझे आवाज़ ज़रूर देता है, क्योंकि मेरा ग्राउंड गार्डन है। साइड से जो भी आना जाना करते हैं, सभी लोग देखते रहते हैं। तो कोई पार्सल वाला आया था जो पीछे से आवाज़ दे रहा था। तो दोस्तों, मेरे विंटर फ्लावर प्लांट के रिपोर्ट में से यही सबसे लास्ट रिपोर्टिंग है, क्योंकि सिनेरेरिया की सीडलिंग मैंने सबसे लास्ट में की थी, मगर इनकी रिपोर्टिंग मुझे 1 या 2 वीक्स पहले ही कर देना था। लास्ट सीजन मैं इस फ्लावर प्लांट को बिल्कुल भी नहीं लगा पाई, क्योंकि मेरे पास ना सीड थे और यहाँ पे नर्सरी में भी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। सीड से ग्रो करने के कारण इस बार मेरे पास बहुत सारे सिनेरेरिया के प्लांट रेडी हो चुके हैं, और सॉइल मिक्सिंग के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। फिर भी जो व्यूवर्स मेरे इस चैनल के साथ नए नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ, मैं सॉइल मिक्सिंग में वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ कुछ दाने ये DAP के डालती हूँ, साथ में पोटाश और बोन मिल को मैंने यूज़ किया है। अभी मैं सीवीड के ग्रैनुल्स को नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि मैं इनके लिक्विड फॉर्म को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण प्लांट्स की जो रूट है बहुत जल्दी उनको एब्जॉर्ब करती है। मेरे जितने भी सिनेरेरिया के प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुकी है। इनको मैंने रिपोर्ट करने के लिए कोई ज़्यादा बिग प्लांटर को यूज़ नहीं किया है। ये 7 to 8 inch का ये पॉट है, इनके लिए ये मीडियम साइज़ के जो पॉट्स होते हैं वो बहुत अच्छी इनको सूट करते हैं। इन सिनेरेरिया के प्लांट्स को फुल मैच्योर होकर ये फ्लावरिंग स्टेज तक आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मोस्टली स्प्रिंग टाइम में ही इनकी फ्लावरिंग भर भर के आती है। तो दोस्तों देखिए, ये वाली ट्रे भी अभी पूरी भरी है, इनको भी रिपोर्ट करना है। इस ट्रे में लगभग 9 to 10 मेरे प्लांट्स रेडी हो रखे हैं। दोस्तों, जब हमारे गार्डन में दूसरे फ्लावर प्लांट के फ्लावर्स पेंट होने लगेंगे, तब ये सारे सिनेरेरिया के प्लांट फुल मैच्योर होके भर भर के इसमें ब्लूम्स आएंगी और हमारे गार्डन को बहुत ज़्यादा कलरफुल बना देगी। तो देखा दोस्तों, कितने सारे मेरे अभी भी इनको रिपोर्ट करना बाकी है। अब मुझे लग रहा है करके कि प्लांटर्स की कमी होने स्टार्ट हो गई है, फिर भी कहीं ना कहीं से तो मैं जुगाड़ कर ही लूँगी। इनके फ्लावर्स है ना दोस्तों, इतने सुंदर होते हैं और इतने कलरफुल होते हैं, बंचेस में आती हैं। अभी फिर से मेरी बेटी मुझसे कुछ पूछ रही है, तो बीच बीच में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील भी हो रहा है। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना दोस्तों, जब तक इनके प्लांट्स नहीं सूखते हैं तब तक इनमें फ्लावर्स बनी रहती हैं। प्लांट भी सूखेंगे और साथ में फ्लावर्स भी ड्राई होते जाएंगे। दोस्तों, इन प्लांट्स को ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस मॉर्निंग की अगर 1-2 घंटा इनको हल्की सी भी सनलाइट मिल जाए, तभी भी इनमें बहुत अच्छी ब्लूम होती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मेरे गार्डन में अच्छी धूप नहीं आती है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इसीलिए जिनके गार्डन में धूप नहीं आती है, तो उनको तो ये सिनेरेरिया के प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं इनको वहीं एडजस्ट कर दूंगी जहाँ पे मेरे फूलों की कमी है, जहाँ पे शेड होता है वहाँ पे इनको रख दूंगी, तो वो जगह भी कलरफुल बन जाएगा। अगर हम इन प्लांट्स को नर्सरी से बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है दूसरे फ्लावरिंग प्लांट के मुताबिक, और मैंने ये देखा है सभी नर्सरी में ये प्लांट अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो मोस्टली मैंने सभी को रिपोर्ट कर दिया है। अब लास्टली बारी आती है इनको ऊपर से हल्का हल्का पानी देना। और दूसरे अभी जो प्लांट्स हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए मेरे पास सॉइल मिक्सिंग भी ख़त्म हो गई है, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। तो दोस्तों, बस इतना सही काम है। अभी कुछ दिनों के बाद देखना, बहुत जल्दी ये प्लांट बड़े हो जाएंगे और कब इनमें फ्लावर्स भर भर के आ जाएंगे आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा। तो फिर अगर आप लोगों ने सिनेरेरिया के प्लांट को ऐड नहीं किया है, अभी भी आप लोग नर्सरी से जाकर इनको फुल मैच्योर प्लांट्स को ला सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत कॉस्टली ज़रूर होगा, क्योंकि इन प्लांट्स में फ्लावर्स थोड़े लेट से आते हैं। तो ज़रूर लेकर आ जाइए।
तो फिर देखिए मेरे इस हैंगिंग प्लांटर में ये वॉयला ये पेंसी कितने सुंदर दिख रहे हैं। इनमें भी धीरे धीरे इतने प्यारे प्यारे बटरफ्लाइज के जैसे फ्लावर्स आ गए हैं, बस ये प्लांटर अभी देखते ही बनता है। छोटे छोटे फ्लावर्स भी बहुत सुंदर दिखते हैं गार्डन में। तो इस साइड में भी मेरे जो इंपेशेंट के प्लांट्स हैं, देखिए कितने सुंदर इनमें ब्लूमिंग आ रही है, और ये नज़ारा भी बस देखते ही बनता है मेरे गार्डन में। तो फाइनली दोस्तों मेरी ये सिनेरिया की लास्ट रिपोर्टिंग थी। अभी दो तीन अभी बाकी है, उनको मैं बाद में कर दूंगी क्योंकि प्लांटर्स मुझे अभी एडजस्ट करने होंगे। अगर दोस्तों एक जैसे प्लांट्स को सेम साइज़ के और सेम कलर के पॉट में हम ग्रो करें तो वो ज़्यादा सुंदर दिखता है, मगर मुझे अभी दूसरे प्लांटर्स में भी एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि सारे मेरे एक जैसे सारे ख़त्म हो चुके थे। बस इनमें आखिरी वर्क यही होगा करके कि वन वीक के अंदर इनमें मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना है। ऐसा करने से इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से पकड़ेगी और इनको मुझे जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ पे मैं उनको अच्छे से एडजस्ट करके रख दूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।